हेलो फ्रेंड्स, जो लोग मूली की कोई भी रेसिपी खाना पसंद नहीं करते हैं, अक्सर उनको मूली पसंद नहीं होती है, सलाद के तौर पे ही खा लेते हैं लेकिन सब्जियों के रूप में उसको नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए खास रेसिपी है। और लोग एक बार देख लेंगे, अगर एक बार खा लेंगे तो कई बार उसको खाना पसंद करेंगे, बार बार बनवा के खाएँगे। इतनी अच्छी ये सब्जी बनेगी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी, और शायद आप लोगों को नहीं पता होगा ये रेसिपी। अगर जिन लोगों को ये नहीं पता है रेसिपी, वो लोग देखें वीडियो और बनाकर रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाते हैं। तो ये मूली है, मूली को हमने पहले से ही काट करके अच्छे से धुल लिया है और लंबे लंबे पीस में इसको मैंने काटा है, और इसे पानी डालकर हमने अभी रखा हुआ है, क्योंकि बाहर रखने से जो मूली है ना थोड़े से काले पड़ जाएंगे, इसीलिए इसको वैसे ही नहीं खुलेंगे, मतलब छोड़ेंगे। और ये जब मूली को हम अच्छे से मतलब पानी में भिगो कर ही रखेंगे, जब इसको बनाना होगा तब इसको निकालेंगे, तब इसको हम चलते हैं बनाने के लिए। तो इसके लिए हमने लिया हुआ है, टमाटर है, प्याज, लहसुन, दो अदरक है टुकड़े हैं, और ये हरा मिर्चा है। हरा मिर्चा हम थोड़ा कम ही लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में हम हरा मिर्चा भी डालने वाले हैं और थोड़े अलग तरीके से डालेंगे उसको। तो पहले इसको हम पीस लेंगे। इनको हम पीस करके तैयार भी करेंगे। तो इस सभी को हमने डालने के बाद थोड़ा इसमें हम डाल देंगे सरसों के दाने। पीला सरसों है, आप लोग काला सरसों ले सकते हैं, मेरे पास पीला सरसों था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब इसको पीस के रख लेंगे। इसके बाद ये हमने हरा मिर्चा लिया हुआ है, तो मैंने बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना रही हूँ, तो हरा मिर्चा थोड़ा सा तीखा वाला है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो 5-6 है ये, इतना ही मैं फ्राई कर लेती हूँ। आप लोगों के और चटपटा बनाना है तो आप लोग 7-8 मिर्चा इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। फ्राई होने के बाद इसका तीखापन थोड़ा सा कम हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसको निकाल के साइड में रख लेते हैं। और जो हमने मूली को भिगो के रखा हुआ है, इसको मैंने छान कर रखा हुआ है। अब इसको मतलब पानी से निकाल लिया है अच्छे से, अब इसको फ्राई कर देंगे, यानी मूली जो है उसको हम फ्राई करेंगे। इसमें गैस का जो फ्लेम है थोड़े से हमने हाई रखा हुआ है कि जो मूली है जल्दी से फ्राई हो जाए, क्योंकि मूली ज़्यादा पकने में समय नहीं लगता है, तो इसीलिए मूलियों को हम जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। देखिए मूलियों का जो कलर है अलग हो गया है, चेंज हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो हम सभी मूलियों को निकाल के भी दिखाते हैं फिर कैसे बाद क्या करेंगे इसको। अब जो तेल बचा हुआ है ना, इस तेल को हम कम करेंगे, अब इतने तेल में हम नहीं बनाएंगे। फ्राई हमने करके निकाल लिया है मूली, अब जो तेल है कम कर देते हैं। तेल हमने कम कर दिया, 2 चम्मच तेल होगा। अब इसमें हमने डाल दिया है जीरा, साथ में डाल देंगे मेथी के कुछ दाने, और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हींग। अब ये सब जब तड़क जाएंगे तब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाला जो पीस करके तैयार करके रखा हुआ है ना, उसको डाल देंगे। तो ये हमारा कच्चा मसाला बन के तैयार हुआ है। जिस तरह से हमने कद्दू की सब्जी बनाते हैं कच्चे मसाले में, उसी तरह सब्जी बनेगा, थोड़ा सा अलग है। अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और इस सब्जी मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हम चटपटा बना रहे हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल सकते हैं। आप लोग को ज़्यादा तीखा खाना है तो थोड़ा सा मिर्चा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसमें हमने हरा मिर्चा ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा लाल मिर्च हमने कम डाला है। अब इनको भी हम भून लेंगे, तो लगातार चला करके भुनना है। मसाले अच्छे से भुने होने चाहिए, मसालों में थोड़ा भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब सब्जी बनाइए तो मसाले जो अच्छे से भुनने पे ही जो सब्जी होती, कोई भी सब्जी बनाइए मसाला बढ़िया भुनना चाहिए, तभी जो सब्जी होती परफेक्ट तैयार होती है। आप लोग देख पा रहे हैं मैंने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, साइड में तेल भी निकल गए हैं। अब इसके बाद जो मिक्सी जार है ना, उसमें जो लगे हुए थे मसाले उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैं मतलब घोल बना ली, उसको मैं इसमें डाल दी हूँ।
अब इसको हम जो मसाले हैं मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे क्योंकि थोड़ी सी हम ग्रेवी इसमें रखने वाले हैं। इसकी ग्रेवी बहुत ही मस्त होती है। थोड़ा सा हम डालेंगे पहले इसमें स्वाद अनुसार नमक, नमक को मिला देंगे। हमने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है और इसके बाद देखिए मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाला, ज़्यादा नहीं, अब इनको भी मिला दिया है। आप लोग सेंधा नमक की जगह पे आप लोग जो नॉर्मल नमक खाते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा जो नॉर्मल नमक है थोड़ा कम डालें क्योंकि सीधा नमक ज़्यादा तेज नहीं होता है, तो थोड़ा हम ज़्यादा डालते हैं। अब इसके बाद जो फ्राई किए हुए हमने मिर्चा, हरा मिर्चा लिया है और जो मूली है उसको डाल देंगे। अब इसको हमने मिला दिया है, अब मिला करके इसको ढकेंगे। जो कि मूली हमारी अच्छे से फ्राई हुई है तो इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हम ढक करके पकाएंगे। 2 मिनट में हमारी मूली अच्छे से पक जाएगी, जो मसालों में तो भीन जाएगी, अच्छे से भीन जाएगी, पक जाएगी। अब 2 मिनट हो चुके हैं, फिर हमने देख लिया है कि जो मूली अच्छे से पक गई है। आप लोग देख पा रहे हैं जो ग्रेवी वो भी गाढ़ी हो गई है और मूली तो पहले से ही पकी थी। तो रेसिपी हमारी एकदम बन के तैयार है। आप लोग इसे चावल, दाल, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। मतलब रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। आप लोग ये बना के इसको देखिए तो ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब तक हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।